नेपोटिज्म, ये क्या हो रहा है हमारे देश में? जहां देखो रिकमेंडेशन, डोनेशन, डोमिनेशन, इन्फ्लुएंस, घूस, बाप का नाम। अब गरीब के बच्चे क्या करें? मेहनत करके फर्स्ट रैंक लाने वाला क्या करे? बिना घूस लिए काम करने वाला ऑफिसर क्या करे? हल चलाने वाला क्या करे? अकेला घुस के सर काटने वाला क्या करे? डायरेक्ट। तो भाई इंडियन सिनेमा में इतने सालों तक पब्लिक विलन को हेट और हीरो से प्यार करते आ रही थी, लेकिन 2018 की सर्दियों के सीजन में एक ऐसी फिल्म आती है कि लोग थिएटर में ही हाई गर्मी गर्मी करने लगते हैं। मतलब पहली बार एक बिल्कुल ही नए डायरेक्टर और एक ऐसे एक्टर की फिल्म आती है जिसे नॉर्थ इंडिया तो छोड़ो साउथ में ही कन्नड़ा इंडस्ट्री के अलावा कोई नहीं जानता था। और इस फिल्म का बाउंडर ऐसा था कि शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार की जीरो भी बॉक्स ऑफिस के रिपोर्ट कार्ड पर जीरो लेकर जाती है, जहां अपने अल्लू अर्जुन, प्रभास, रामचरण, जूनियर एनटीआर जैसे स्टार्स को पब्लिक पहले से जानती थी, लेकिन गुगली मास्टरपीस मिस्टर रामाचारी देने के बावजूद भी केजीएफ से पहले यस को कोई नहीं जानता था। लेकिन केजीएफ चैप्टर वन के बाद रॉकिंग स्टार यस या उनके फैंस के लिए इंडिया सीईओ के लिए कुछ लोगों ने लिटरली कोविड के टाइम पर जब थिएटर में लोग जाने से डरते थे तब पीएम मोदी से लेटर लिखकर रिक्वेस्ट की जाती है कि केजीएफ 2 की रिलीज डेट पर नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया जाए। डिलीवरी बॉय से लेकर बैक स्टेज 50 रुपए की दिहाड़ी पर चाय पानी पहुंचाने तक का काम करने वाले एक ऑर्डिनरी बॉय यस ने प्रूव कर दिया कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा। तो आज के वीडियो में हम अपने यस भाऊ एके रॉकी भाई के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आप शायद ही जानते होंगे। जैसे यस का असली नाम यस है ही नहीं और केजीएफ चैप्टर वन का विलन गड़ोरा कोई और नहीं बल्कि खुद यस का बॉडीगार्ड था। और एसएसआर से यस का कौन सा गहरा कनेक्शन है? वेल, ये कंप्लीट वीडियो है जिसमें आपको यस के अनटोल्ड स्टोरीज के अलावा उनकी और कौन कौन सी आने वाली फिल्में हैं सब कुछ डिटेल में जानने को मिलेगा। और अगर आप ऑलरेडी यस के फैन हो तो ये आपके लिए एक मस्ट वॉच वीडियो है। तो भाई मैस्कुलिनिटी की पहचान बन चुके एंड द मोस्ट हम्बल एक्टर रॉकी भाई या यस या फिर नवीन कुमार गौड़ा जी आज पूरी दुनिया में अपने फैंस के दिलों पर राज करने वाले। यस का असली नाम रमीर कुमार गौड़ा है, लेकिन जैसा कि कई सारे एक्टर एक्ट्रेसेस को अपना स्टेज नेम बदलना पड़ता है तो जब यस से भी उनके नाम बदलने की डिमांड की गई तो उन्होंने उनके चाइल्डहुड निकनेम यस को चूज किया। वेल, एक्टिंग का कुमार बचपन से इनके सर पर छाया हुआ था। जब एक बार स्कूल के एक इवेंट में छोटे से ड्रामा में पार्टिसिपेट करते हैं तो भाई स्टूडेंट से लेकर टीचर सभी इन्हें काफी अप्रिसिएट करते हैं। उसके बाद से तो भाई उन्होंने पढ़ाई से ज्यादा अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान, रजनीकांत, सारे बड़े स्टार्स की फिल्में देखनी स्टार्ट कर दी थी। 12 पास करने के बाद जब इन्होंने अपने पापा जो कि एक बस ड्राइवर थे उनसे 3 इडियट्स के फरहान की तरह रिक्वेस्ट की कि अब्बा मैं पैसे कम कमाऊंगा लेकिन मैं खुश रहूंगा, एंड एज यूजुअल अब्बा नहीं माने क्योंकि वो अपने बेटे को एक सरकारी नौकर देखना चाहते थे। इसके बाद भी यस जब नहीं माने तो उन्होंने कहा कि तू बेंगलोर जा रहा है वो अच्छी बात है लेकिन किसी रिलेटिव के यहाँ नहीं चले जाना और किसी को भी तेरे इस फिल्मी काम के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और ये भी शर्त रख दी कि अगर तू घर वापस आया है तो तुझे वापस जाने नहीं दिया जाएगा। पूरे फिल्मी अंदाज में यस भी 300 रुपए लेकर घर से निकले और पेरेंट्स को लगा कि 2-4 दिन में इसका फिल्मी भूत जब उतर जाएगा तो ये खुद ही वापस चला आएगा। लेकिन यस कहां मानने वाले थे तो उन्होंने बैक स्टेज में चाय पानी पहुंचाने से लेकर डिलीवरी बॉय का भी काम किया। छोटे मोटे काम करने के बाद जब इन्हें एक बार असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मिला तो पैसे ना होने की वजह से प्रोड्यूसर्स ने बैकआउट कर लिया और फिल्म का पैकअप हो गया और यस को भी काम करने के बाद 1 भी रुपया नहीं मिले और इस तंग हाले में इन्होंने बस स्टैंड पर भी रात गुजारी। बिन गया, आई वेंट देयर, आई स्टेड इन अ बस स्टैंड फॉर अ होल नाइट, द प्लेस वेयर, बिकॉज़ देयर आई हैड टू डिसाइड वेदर टू गो होम और टू स्टे। फिर भाई इन्होंने एज अ बैकअप एक्टर डांसर खूब काम किया और इसी टाइम इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री भी ली और साल 2005 में पहली बार इन्हें टीवी पर आने का मौका मिला टेली सीरियल नंदा गोकुला से। इसके अलावा इन्होंने टीएन सीताराम जैसी सीरियल भी की और इसी जगह इन्हें अपनी फ्यूचर वाइफ राधिका पंडित भी मिली। और आगे चलकर 2016 में सीक्रेटली गोवा में यस ने शादी भी की और यशो मार्गा फाउंडेशन की शुरुआत भी। मतलब यस की लाइफ जर्नी सुशांत सिंह राजपूत से काफी सिमिलर है, जहां उन्होंने भी टीवी सीरियल से स्टार्ट किया फिर फिल्मों में गए एंड इवन ही गॉट हिज फर्स्ट लव ऑन द सेट ऑफ टीवी सीरियल, बट अनफॉर्चुनेटली वो यस की तरह सर्वाइव नहीं कर पाए। यस एक ऐसे सुपरस्टार बने जिसका ना कोई गॉड फादर था ना ही उन्हें किसी ने लॉन्च किया था। इवन जब टीवी सीरियल के टाइम पर उन्हें 7 फिल्में ऑफर हुई तो उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ने की डिमांड कर दी, जो बात मेकर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्हें लगा कि एक नया एक्टर होकर इतना एटीट्यूड, मतलब इसे स्क्रिप्ट जाननी है। और इवेंचुअली इन सारी फिल्मों से इन्हें हाथ धोना पड़ा। लेकिन भाई अगर आपके अंदर जज्बा और एक क्लियर गोल हो तो लोग पहाड़ तोड़कर भी रास्ता बना ही लेते हैं। और 2007 में यस को फिल्म जमाडगा उड़ूंगी में एक छोटा सा रोल ऑफर हुआ और इस छोटे से रोल में इन्होंने जो जान फूका कि इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला। इसके बाद से तो भाई 2007 से लेकर 10 तक इन्होंने मोगिन्ना मसानू, कलारा सांते, गोकुला, थमासू, मुडलासला और रॉकी जैसी फिल्में भी की और मोगिन्ना मसानू में इन्होंने अपनी फ्यूचर वाइफ राधिका पंडित के साथ भी काम किया और सिर्फ 3 करोड़ के बजट में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 17 करोड़ का मैसिव कलेक्शन किया। और यस की इस दूसरी फिल्म से उन्हें कन्नड़ा इंडस्ट्री में थोड़ी पहचान मिलने लगी। फिर 2008 में पहली बार यस को लीड रोल मिला फिल्म रॉकी में। 5 करोड़ की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो धराशायी हो गई लेकिन इस फिल्म से यस को रॉकी भाई का नाम भी मिला। ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिला और मेरा लॉन्च नहीं हुआ, उसको एक एक स्टेप करके हमें हासिल करना पड़ा, तो उससे हमें उसका वैल्यू रहता पता चलता है और वो स्ट्रगल है ना बहुत सिखाती है।
सक्सेस कुछ नहीं सिखाता है जिंदगी में। सक्सेस में तो सब आपको चढ़ाते हैं और सब अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। 2009 में अगेन इन्होंने कल्लारा सांते जैसे फिल्म से कमबैक किया और 4 करोड़ के बजट वाले इस फिल्म ने 8 करोड़ का कलेक्शन किया। 2009 में यश, विजय राघवेंद्र और पूजा गांधी की फिल्म आई गोकुला और 2 करोड़ के इस फिल्म ने भाई बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ का कलेक्शन किया और पूजा गांधी को इस फिल्म के लिए सुवर्ण फिल्म का अवार्ड भी मिला। वेल, रॉकी भाई का ख्याल आते ही आपके दिमाग में क्या आता होगा? स्वैग, बियर्ड, फाड़ू, एक्शन एंड नो डाउट सलाम रॉकी भाई वाला गाना। लेकिन यश इतने हम्बल है और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है, जब मीडिया ने इनसे कांतारा से रिलेटेड टेढ़े-मेढ़े सवाल पूछे तो उन्होंने जो कहा दैट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। बट दिस सीम्स टू बी द ईयर ऑफ द कन्नड़ा फिल्म, बिकॉज इवन एज वी स्पीक कांतारा योर न्यू फिल्म इज नॉट योर फिल्म बट अ कन्नड़ा फिल्म इज मेकिंग वेव्स, हाई प्रेज एंड अगेन अ लो बजट फिल्म दैट्स मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। व्हाट इज इट इन बैंगलोर, से बेंगलुरुज, you know, it seems to be namma Karnataka is the buzzword at the moment. Sir, it's also my film, sir. You said it's not my film, but it's my film also. 2010 में जहाँ इन्होंने थमासु में सिर्फ कैमियो अपीयरेंस किया तो मॉडल आसला सुपर हिट साबित रही। 2011 से लेकर 15 तक यश ने राजधानी, किरातका, लकी जानू, गुगली राजा होली, मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी जैसी कई सारी फिल्में दी, जिसमें से जानू, गज केसरी, गुगली, मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी, मास्टरपीस को हिंदी में भी डब किया गया और ये सभी फिल्में सुपर हिट या हिट साबित रही। 2014-15 में यश कन्नड़ा इंडस्ट्री के एक सुपर स्टार बन गए थे। मतलब किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक चाय पानी पहुंचाने वाला लड़का एक दिन इतना बड़ा सुपर स्टार बनेगा। और इवन इस टाइम तक भी यश के पापा बीएमटीसी के बस चलाया करते थे। यश ने अपने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि आज अगर वो इतने डिसिप्लिन्ड और हार्ड वर्किंग है तो उसके पीछे का पूरा क्रेडिट उनके पापा को जाता है, क्योंकि उन्होंने बचपन से अपने पापा को रोज जल्दी जल्दी नाश्ता करके ऑन टाइम 8 बजे ड्यूटी जाते देखा है, क्योंकि उनके पापा कहना था कि अगर मैं लेट होता हूं तो रोज सैकड़ों लोग अपने ऑफिस और दूसरे काम के लिए लेट हो जाएंगे। 2014 में इन्हें अपनी फिल्म गुगली के लिए बेस्ट एक्टर कनाडा का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और इसी फिल्म के लिए इन्हें साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी का अवार्ड भी मिला। अगर मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी के लिए भी इसको फिल्म फेयर के साथ साथ आईफा अवार्ड भी मिला और यश की गुगली देखने के बाद ही प्रशांत नील ने डिसाइड किया कि भाई अगर केजीएफ बनानी है तो उसमें लीड रोल में यश के सिवाय कोई और हो ही नहीं सकता। 2016 में अगेन यश और उनकी वाइफ राधिका पंडित के साथ फिल्म आई संतु स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसे हिंदी और बंगाली में रैम्बो नाम से छाप दिया गया। एक बार अपने ऑडियंस को लेकर यश ने जो कहा उसे सुनकर आपको भी यश के फैन होने पर प्राउड फील होगा। आई बिलीव ऑडियंस आर द ओनली रिलेटिव्स आई हैव। स्वीट। ओके, बिकॉज़ दे आर नॉट बायस्ड। या दे हैव सपोर्टेड मी। See, like this market also, they have accepted my work. They don't know who I am. Then in the chapter one, they never asked me who you are, where have you come from, which caste do you belong to, which religion do you belong to, or how much money you have, who is backing you, nothing. They come into theater, come inside theater, they watch your work, if they like it, then they call you a star. They celebrate you. 2016 से 2018 तक इन्होंने प्रशांत नील के साथ खूब खून पसीना बहाया और जब 2018 में यश ने एसआरके की जीरो के साथ अपनी डेट अनाउंस की तो सभी ने समझाया कि इतने बड़े प्रोजेक्ट की अम्मा बहन क्यों करने पे तुले हो। लेकिन यश केजीएफ को लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने कहा कि मैं खुद शाहरुख खान का फैन हूं और मैं भी जीरो देखने जरूर जाऊंगा। और 80 करोड़ की ब्लैक एंड व्हाइट केजीएफ ने भाई किस तरह 250 करोड़ का कलेक्शन किया वो आप अच्छे से जानते हो। और अपनी ओसीडी के चक्कर में प्रशांत नील ने पूरी फिल्म में ब्लैक एंड व्हाइट करवा दी, लेकिन फिल्म का पब्लिक ने दिल खोल के एक्सेप्ट किया। जब प्रशांत नील पहली बार यश से मिलने उनके घर पहुंचे तो उन्होंने यश के बॉडीगार्ड राम को देखा और यश से कहा कि क्यों ना राम को ही केजीएफ का विलन चूज किया जाए। यश इस बात से मान गया और इन्होंने उन्होंने राम को एक्टिंग भी सिखाई। और किसने भी नहीं सोचा था कि एक नया एक्टर गरुड़ा के रोल में ऐसा जान फूकेगा कि लोग थर्रा जाएंगे। और इसके बाद इंडिया में सलमान भाई के सेरा से भी ज्यादा राम को पहचान मिली और सालार में भी हमें उनका प्रोमिनेंट रोल देखने को मिला। इसके बाद एक बार जब कांड विद करण के शो पर कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन रश्मिका आई तो उन्होंने यश को शो ऑफ स्टार बता दिया, जिसके बाद यश के फैंस ने इनकी कह के लेनी स्टार्ट कर दी और इन्हें बुरी तरह ट्रोल भी किया। फिर जाकर इनकी अकल ठिकाने आई और उन्होंने यश और उनके फैंस दोनों से माफी मांगी। जब केजीएफ पार्ट 1 के लिए यश को बॉलीवुड में किसी ने भाव नहीं दिया तो सेकंड पार्ट के लिए बॉलीवुड माफिया करण जौहर ने खुद इनके लिए इवेंट ऑर्गेनाइज किया। क्यों हिला डाला ना? और कोविड के टाइम पर जब थिएटर्स खाली पड़े थे तब भी 100 करोड़ के बजट वाले इस फिल्म ने बिना कॉर्पोरेट बुकिंग और डर्टी मार्केटिंग के वर्ल्ड सारे 1200 करोड़ का रियल कलेक्शन करके इतिहास रच दिया। वेल, अगर आप भी केजीएफ यूनिवर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो हमारी ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। केजीएफ 2 के लिए लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि लिटरली मोदी जी से लेटर लिखकर डिमांड की गई कि केजीएफ 2 के रिलीज डेट पर नेशनल हॉलीडे होना चाहिए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। पब्लिक यही नहीं रुकी बल्कि यस के साथ साथ सारे नेपो किड्स को कंपेयर करके उन्हें भी ट्रोल करने लगी। नेपोटिज्म अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट अबाउट somebody, some actor's son or some producer's son coming into industry. It's not about that. It's about them trying to put others down.
तो चलिए अब आपको बताते हैं कि यस की और कौन कौन सी फिल्में आने वाली है। नंबर वन टॉक्सिक, गैंगस्टर ड्रामा पर बेस्ड इस फिल्म का टीजर ऑलरेडी भौकाल मचा चुका है और इसकी डायरेक्टर है गीतू मोहनदास, जिन्होंने लायर डाइस और मुंह दाएं जैसी ऑलरेडी वन ऑफ अ काइंड फिल्में दे रखी है। वेल टॉक्सिक उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये फिल्म आपको 10 अप्रैल 2025 तक थिएटर में देखने को मिल जाएगी। नंबर टू रामायण पार्ट वन, इस फिल्म के डायरेक्टर है नितेश तिवारी और रामायण पार्ट वन में यस रावण के रोल में हमें दिखाई देंगे तो रणवीर श्रीराम के रोल में, और यही बात कुछ लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। फिल्म में साईं पल्लवी माता सीता के रोल में भी दिखाई देंगी। इस फिल्म को 3 पार्ट्स में बनाया जाएगा और अदिपुर से सीख लेते हुए मेकर्स ने वीएफएक्स की जिम्मेदारी ऑस्कर विनिंग कंपनी डीएनईजी को दी है। केजीएफ चैप्टर 3, ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज केजीएफ के लिए प्रशांत नील ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि मैं रहूं या ना रहूं केजीएफ चैप्टर 3 तो जरूर आएगी और यस तो उसमें होंगे ही। इस बार फिल्म की स्टोरी 1978 से 1981 की होगी और हमें दिखाया जाएगा इंडियन ओशन में डूबने के बाद रॉकी कहां था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हाँ अगर रॉकी भाई के बारे में आप कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानते हो तो हमसे जरूर शेयर करना। और यस से जुड़े 3 सवाल, पहला रॉकी भाई के माँ का नाम क्या है, दूसरा यस के फाउंडेशन का नाम क्या है, एंड थर्ड केजीएफ चैप्टर 1 के लिए यस को कितनी फीस मिली थी। सो अगर आप भी यस के फैन हो तो आंसर जरूर देना। तब तक के लिए हर हर महादेव।